हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी के लिए मैं अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में लेकर आया हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप जब भी आगे की चीज़ों को या ग्रामर के आगे की चीज़ पढ़ने चलें तो पीछे की चीज़ों को रिवीजन जरूर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट को आपने पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आप उनको सही ढंग से उनकी जो है चीजों को समझा होगा तो आगे की चीजें आसान हो गई होंगी। साथ ही मैं आप सभी को ये बता दूं कि ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं। जैसा कि सब आप जानते हैं, हाई स्कूल में सबसे पहला पार्ट आता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस कहते हैं। उसका भी मैंने जो है पूरा रूल्स के साथ पूरी वीडियो डिटेल में दी है, आप उसे भी देख सकते हैं। नरेशन से रिलेटेड वीडियोस को मैंने दे दिया है, आप नरेशन भी इंटरमीडिएट के छात्र या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपरेशन की तैयारी करने वाले, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी वो रिलेटेड वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही ट्रांसलेशन से रिलेटेड वीडियोस में टू बी का वर्ब, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव और टेंस की, आप सभी के लिए लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूं। आप उसे देखें और उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं और रिवीजन करते रहें। कुछ वीडियोस बनाने में कुछ समस्याएं आई होंगी, जिसमें कहीं जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रिकॉर्डिंग के समय कहीं बोर्ड जो है वो सफेद हो गया होगा, तो इन सब चीजों को आप अवॉइड करते हुए आप जगह जगह स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे जो है समझने का पूरा प्रयास करिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी और भी सारी पुरानी वीडियो जो भी अपलोड हो रही हैं या हो गई हैं, उन सब को लगातार देखते रहने के लिए आप मेरा YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसे सब्सक्राइब करके उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कुछ न कुछ चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपको और भी आसानी होगी। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज अगले टेंस की ओर। और अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले, जैसा कि मैं पहले ही आप सभी को बता चुका हूं, किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले आप टेंस की सही डेफिनेशन समझें। यहां देखें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कुछ चीजें बोर्ड पर लिखी हैं, रूल्स में पहले से तैयार रखता हूं ताकि आपको जो है जल्दी से सारी चीजें मिल सकें, अन्यथा इसको लिखते समय हो सकता है कि आपकी टाइम ज्यादा वेस्ट हो। तो एक बार मैं लिख कर रेडी रहता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले लें और इसको बस समझने की जरूरत हो, तो आप इसे ध्यान से समझें। दूसरी चीज और बता दूं आपको कि किसी भी चीज को आप रटने के चक्कर में कम समझने के चक्कर में अधिक पढ़िए। जब आप समझने के चक्कर में पढ़ेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और रट के रखेंगे तो वो रटी हुई चीजें कुछ देर के बाद एबॉलिश हो जाती हैं। इसलिए इसका आप ध्यान दें, इसको ध्यान से समझें। ये देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ये जो अपूर्ण भूतकाल है, ये ऐसी क्रियाएं पास्ट टेंस में, ऐसी क्रियाएं जो कंटिन्यू हो रही हो या अपूर्ण हो, ऐसी क्रियाओं से बनने वाले सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कुछ हिंदी सिंबल्स होते हैं जो आपको जो है जानना चाहिए, जैसे हिंदी क्रियाओं के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। इसके पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा था, रहा है, रही है, रहे हैं, वो अब रहा था, रही थी, रहे थे में हो गया। उसी तरह जैसे बैठा था, खड़ा था, लेटा था, लटका था, चिपका था, पीड़ित था, इत्यादि। इन सब वर्ब्स को देखकर आपको लगेगा कि
कि इसमें रहा था रही थी का सेंस नहीं है, फिर भी ये कंटिन्यूस में कैसे आ रहा है? तो आप समझे कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कंटिन्यू होती ही हैं, जो अपूर्ण होती हैं, इम्परफेक्ट होती हैं, इसलिए ऐसी क्रियाओं को आप जो है कंटिन्यूस में ही रखें। आप जानते हैं कंटिन्यूस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, अपूर्ण, इसे कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट दोनों कहते हैं। इस प्रकार से जब इस तरह के सेंस हो, इत्यादि क्रियाएं जिनसे कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए, वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहां अफर्मेटिव का रूल भी लिखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए जब आए ऐसे सेंटेंसेस, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर वाज या अवर लिखिए। टू बी की क्रिया के रूप में आपको पहले वीडियो दे चुका हूं जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग बताया गया है। जब आप टू बी की क्रिया का मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होती हैं, और यहां जो ये वाज या वर या इज एम आर, अभी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पढ़े थे, तो वो इज एम आर और यहां का ये वाज या वर, ये मेन वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होंगी। यहां देख रहे होंगे किसके साथ एक मेन वर्ब आता है जिसमें वर्ब फर्स्ट में आई एनजी लिखता है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया भी कहते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, और वाज का प्रयोग आपको पता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स लगाएंगे। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वाज या वर लिखिए, फिर नॉट लिखिए, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लिखिए। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्यों में पहला होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो वाज या वर्ब पहले लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है क्या वाले वाक्यों में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी तरह प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों को देख लीजिए, प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर वाज या वर आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स आता है, उसके बाद आपको अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरह कौन वाले वाक्यों को देखें, कौन वाले वाक्यों में हु आता है, फिर वाज या वर आता है, हु चुकी, यहां आपको पता है कि कौन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता, मैंने पहले भी बताया है सारे टेंसेस में इसका प्रयोग होगा, और इसके जब भी हु वाले वाक्य हु ही नहीं बल्कि हु जैसे कुछ और भी क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे जो सब्जेक्ट के प्लेस पर होंगे, तो उनके साथ रूल यही लागू होगा जो हु का है। ये हु की जगह आप क्वेश्चन वर्ड समझें कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहे हों तो उनको आप पहले लिखिए, फिर वाज या वर, यहाँ सब्जेक्ट का प्लेस हट जाता है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लगता है। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पूरा पूरा रूल है, इसे आप ध्यान से समझें और लिखें, अपने यहाँ नोटबुक में भी तैयार करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो सके। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, सबसे पहले अफर्मेटिव का, मैं गहरी नींद में सो रहा था, इसका आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, सब्जेक्ट होगा आई, आई के साथ वाज लगता है, स्लीप यानी सोना, तो स्लीप में आई एनजी लगाएंगे, स्लीपिंग साउंडली, I was sleeping soundly। इसी तरह negative sentence का देखेंगे तो हो जाएगा वे लड़के मिठाई नहीं खरीद रहे थे, negative sentence हो गया, नहीं आ गया। subject लेंगे, subject मिलता है कौन से, कौन खरीद नहीं खरीद रहे थे, तो वे लड़के, यहां वे की अंग्रेजी दोज होगी, आप ध्यान दें यहां दे नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है और ये नाउन, नाउन के लिए आया हुआ ये शब्द जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के रूप में दोज का ही प्रयोग किया जाता है, दे का प्रयोग नहीं किया जाता।
दे जो है वो नाउन के प्लेस पर आने वाला प्रोनाउन होता है, इसलिए यहां लिखेंगे दोस बॉयज वर नॉट बाइंग द स्वीट्स। क्लियर। इसी तरह इंट्रोगेटिव का क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का रूल देखें, क्या धोबी कपड़े धो रहा था, क्या से शुरू हो रहा है तो आप देखेंगे क्या वाले वाक्यों में पहले वाज या वर आ जाता है, धोबी यानी सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज, वाशरमैन धोना यानी वाश में आई एनजी लगाएंगे, वाशिंग द क्लॉथेस। ओके, इसी तरह इंट्रोगेटिव वर्ड वाले क्वेश्चन वर्ड वाले, वह कल आगरा क्यों गया, क्यों जा रहा था, यहां देखें क्यों आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया है, क्वेश्चन वर्ड आ गया है सेंटेंस में तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि ये रूल है, आप रूल भी देखते रहे, यदि आप स्क्रीनशॉट लिए या नोट कर किए हैं तो उसको सामने रख के बनाएंगे तो कोई भी ट्रांसलेशन बड़े आराम से बन जाएगा, कोई भी सेंटेंस आराम से बन जाएगा, जब आप इसे अपने पास लिख कर सामने रखे रहेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे तो बड़ी आसानी होगी, रूल पहले लिख करके तब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सारे शब्दों को सीक्वेंस में और सही सेंटेंस बना पाएंगे। तो यहां हो गया व्हाई, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना था, फिर उसके बाद वाज या वर लिखना था, फिर ही, फिर गोइंग, वर फर्स्ट में आई एन जी, व्हाई वाज ही गोइंग टू आगरा यस्टरडे, ये हो गया। एक सेंटेंस कौन से लेते हैं, कल कक्षा में कौन शोर मचा रहा था, जगह कब पड़ गई, फिलहाल मैंने दे दिया है वहां क्वेश्चन मार्क है, अब आप इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले लेंगे हु वाज, के साथ वाज आ जाएगा, फिर शोर मचाना मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास कल के लिए यस्टरडे, हु वाज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास यस्टरडे। इस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को देखा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे, और इसके बाद जो है अब आप अपनी अपनी एक्सरसाइज बुक में लगेंगे तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ सेंटेंसेस बड़े होते हैं, टेंस वही होता, सेंटेंस वही होता, रूल वही होते हैं, कुछ सेंटेंसेस बड़े बड़े होते हैं तो देख करके थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं अब इसमें मैं कैसे करूं, तो उसके लिए भी मैं अलग से अभी टेंस कंप्लीट करने के बाद टेंस के पूरे टेंस का एक जो है आप कहें मास्टर फार्मूला मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और थोड़े में ही आप पूरे टेंस को समझ लेंगे। टेंस का एक चार्ट आपको दूंगा जिससे आपको टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और भी जो है क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से बड़े बड़े सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लेकर के भी मैं वीडियो दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि कैसे शब्दों को सही जगह पर, अभी आप आसान आसान शब्दों को देख रहे हैं, सेंटेंसेस को देख रहे हैं कि सब्जेक्ट पहले है फिर वर्ब है ऑब्जेक्ट है, बड़ी आसानी से मिल जा रहा है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, उसमें सब्जेक्ट का प्लेस सबसे पहले होना चाहिए तो बीच में मिलता है, तो उसको ढूंढते हैं, ढूंढ के उसको सिक्वेंस लगाते हैं। प्रोसेस सब यही है, जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं इन्हीं रूल्स के तहत आपको बनाना है, सेंटेंस बड़े या छोटे हो सकते हैं, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, केवल रूल्स को अपने दिमाग में बैठाए रखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपनी अपनी एक्सरसाइज में व्यस्त रहें।